फ्रेंड्स, आशय एजुकेशन हब 500 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण तीन पद्धतियों में किया जाता है। पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति। तीसरी है IUPAC पद्धति। नंबर एक है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में इस पद्धति में हाइड्रोकार्बन का नामकरण यौगिक के प्राप्ति स्रोत के आधार पर किया जाता है। रूढ़ पद्धति, जैसा नाम है रूढ़ पद्धति, रूढ़िवादी विचारधारा, इस रूढ़ पद्धति में जो यौगिक दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, उसका नामकरण, उसे उद्गम स्थल यानी कि उसका प्राप्ति स्रोत क्या है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे पहला है क्रम संख्या, उसके बाद में उसका सूत्र, उसके बाद में उसका रूढ़ नाम, और फिर आता है उसका प्राप्ति स्रोत। यौगिक जो दिया हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैसे नंबर एक है CH4, इसका रूढ़ नाम है मार्स गैस। मार्स गैस इसका क्यों पड़ा, क्योंकि यह दलदल से प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम मार्स गैस पड़ा। इसी प्रकार दूसरा है CH3OH, जिसको बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, अर्थात इसका रूढ़ नाम जो है कास्ट स्प्रिट है। ये क्यों पड़ा, क्योंकि यह लकड़ी के बंजर आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम कास्ट स्प्रिट पड़ा। देखो बच्चों, पहला जैसे CH4 है, वैसे इसका आयुपीएस नाम मेथेन है, रूढ़ नाम इसका मार्स गैस है। मार्स गैस क्यों पड़ा, क्योंकि यह कहाँ से प्राप्त हो रहा है, दलदल से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम मार्स गैस पड़ा, और इसका रूढ़ नाम रूढ़ पद्धति में क्या है, मार्स गैस। इसी प्रकार दूसरा है CH3OH, जिसका रूढ़ नाम है कास्ट स्प्रिट। इसका रूढ़ नाम कास्ट स्प्रिट क्यों पड़ा, क्योंकि यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा है CH3COOH, जिसका रूढ़ नाम है एसिटिक अम्ल। इसका रूढ़ नाम एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा, क्योंकि यह सिरके के लैटिन नाम एसिटम लिया गया है। तीसरा है CH3COOH, जिसका रूढ़ नाम है एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका प्राप्ति स्रोत जो है वो क्या है, सिरके के लैटिन नाम
एसीटम, एसीटम से ये लिया गया है, इसलिए इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसके बाद नंबर चार, नंबर चार जैसे HCOOH, जिसका रूट नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि यह फॉर्मिका अर्थात चींटी से प्राप्त हो रहा है, यह प्राप्त हो रहा है फॉर्मिका अर्थात चींटी से। इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा। इसी प्रकार नंबर पाँच है CH3COOH, इसका रूट नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल रूट नाम है क्यों पड़ा? क्योंकि यह कहाँ से प्राप्त हो रहा है? लैक्टम अर्थात दूध से, दूध से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में उपस्थित होता है और दही दूध से बनता है, अर्थात इसका प्राप्ति स्रोत है वो दूध है, इसलिए लैक्टम से इसका रूड नाम लैक्टिक अम्ल बना। इसी प्रकार रूड पद्धति में कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण किया जाता है। इसमें यदि कोई अशाखिक श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक जो है उसको नॉर्मल यानी N से प्रदर्शित करते हैं, उससे यदि शाखाएं निकलती हैं तो उसके लिए शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे नंबर एक, यदि कोई अशाखिक यौगिक है तो रूड पद्धति में उसे नॉर्मल यानी नॉर्मल यानी एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ एक अशाखिक यौगिक है जिसमें पांच कार्बन परमाणु हैं, यानी कि ये पेंटेन है, ये CH3, CH2, 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 CH3, ये एक अशाखिक यौगिक है जिसका नाम है पेंटेन। अशाखिक है, इसको अपन नॉर्मल यानी कि नॉर्मल पेंटेन भी बोल सकते हैं। यदि इसी प्रकार से इससे शाखा निकले और इससे इस प्रकार से शाखा निकल जाए CH3, CH, CH2, CH3, इसमें भी वही पांच कार्बन परमाणु हैं, लेकिन ये एक शाखा निकली और इससे शाखा निकाली ऐसे, तो इसको अपन बोल सकते हैं ऐसे यानी आइसोपेंटेन। इसी प्रकार इससे यदि और शाखा निकालें तो ये पांच कार्बन का एक नया यौगिक बनता है, इस प्रकार से CH3, 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 इस प्रकार से नया बनता है, यानी कि इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। रूड पद्धति में यदि कोई यौगिक अशाखित है उसे हम नॉर्मल यानी एन पेंटेन, शाखा निकले ऐसे तो इसमें आइसोपेंटेन, यदि और नया निकाल दें यानी कि नियोपेंटेन। इसी प्रकार यहाँ देखो एक समूह है CH3, CH3, ये समूह जो है वो आइसो समूह है, ये जो समूह है वो
तीनों समूह हैं। तो यदि हम बात करें पेंटेन की, पेंटेन के संरचना समावयवी की बात करें तो इससे तीन संरचनात्मक समावयवी बन रहे हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। इस प्रकार रोड पद्धति में हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। इसके बाद नंबर दो आता है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में हाइड्रोकार्बन जो है उसका नामकरण किसी एक सरल यौगिक को व्युत्पन्न मान करके उसके आधार पर व्युत्पन्न नामकरण किया जाता है। जैसे व्युत्पन्न पद्धति नंबर दो आता है व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का नामकरण किसी एक सरल यौगिक को व्युत्पन्न मानकर उसके आधार पर व्युत्पन्न नाम लिखा जाता है। यानी कि इस पद्धति में कोई भी कार्बनिक यानी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो है उसका नाम किसी एक यौगिक को सरल यौगिक मान करके उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे नंबर एक क्रम संख्या, नंबर दो जिसे हम सरल यौगिक मानेंगे सरल यौगिक, नंबर तीन इस सरल यौगिक के आधार पर उसका व्युत्पन्न नाम लिखेंगे तो सरल यौगिक का व्युत्पन्न, सरल यौगिक का व्युत्पन्न ये उसका व्युत्पन्न नाम हो जाएगा व्युत्पन्न नाम। जैसे नंबर एक है CH4, ये एक सरल यौगिक है, इसका एक सरल व्युत्पन्न माने CH3। यहाँ देखो इसका नाम जो है वो है मेथेन, सरल यौगिक का अपन ने लिया मेथेन, इसमें ये तो हो गया मेथेन और इससे एक समूह जुड़ा हुआ है ये जो है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल मेथेन, इसका व्युत्पन्न नाम हो जाएगा मेथिल मेथेन। इसी प्रकार से यदि और देखें इसमें CH3 CH2 CH3, यहाँ देखो इसको हम एक सरल व्युत्पन्न मान रहे हैं सरल यौगिक, यानी कि ये हो गया मेथेन, इससे दो समूह जुड़े हुए हैं मेथिल मेथिल दो जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके लिए हम प्रयुक्त शब्द का इस्तेमाल करेंगे। संख्या के आधार पर यदि दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, इस प्रकार से प्रयुक्त शब्द जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मेथिल जो है वो दो जुड़े हुए हैं इसलिए दो के स्थान पर डाई मेथिल और सरल यौगिक अपन ने मेथेन माना तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल मेथेन। इसी प्रकार आगे और बढ़ाएं CH3 CH CH3 CH3, तो यहाँ देखो ये तो हो गया मेथेन और ये तीन मेथिल इससे जुड़े हुए हैं तो ये तीन है इसलिए ट्राई मेथिल मेथेन। इसमें अपन ने मेथेन को
सरल यौगिक माना था, इसके आधार पर ये उसके व्युत्पन्न नाम हो गए। इसी प्रकार अपन यदि दूसरा यौगिक लें CH3OH, जिसको बोलते हैं कार्बिनो, जैसे दूसरा यौगिक है CH3OH, जिसे बोलते हैं कार्बिनो। इससे यदि कोई यौगिक बना हुआ है CH3CH2OH, जैसे ये कोई यौगिक है, इसमें ये तो हो गया सरल व्युत्पन्न यानी कि सरल यौगिक कार्बिनोल, और इससे ये जुड़ा हुआ है मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार यदि इससे CH3CH2CH2OH, ये कोई यौगिक है, इसमें ये तो हो गया कार्बिनोल और ये इससे जुड़ा हुआ है एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार यदि और इससे कोई जुड़ा हुआ है यौगिक CH2CH3CH2OH, ये इसमें ये हो गया प्रोपिल और ये हो गया कार्बिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल कार्बिनोल। यानी मतलब इसमें किसी एक यौगिक को सरल यौगिक मान करके उसके आधार पर इसका व्युत्पन्न नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार अपन तीसरा यौगिक लेते हैं, जैसे नंबर 3 आता है CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। यदि इसका कोई यौगिक है जैसे CH3CH2COOH, ये तो हो गया इसमें एसिटिक अम्ल और ये जुड़ा हुआ है इससे मेथिल, ये हो जाएगा मेथिल एसिटिक अम्ल, मेथिल एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से यदि C2H5CH2COOH, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल और ये इससे जुड़ा हुआ है एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसिटिक अम्ल। इस प्रकार व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का व्युत्पन्न नाम लिखा जाता है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले दिन। ओके।